أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص موحد ذی قدر معزز بزرگو بالخصوص میرے غیور عزیز مخلص نوجوان بھائیو السلام علیکم. اللہ تعالی نے ہر انسان نو ہمیشہ دی عزت دا تاج پہناون واسطے دنیا تے بے مثال سلسلہ نبوت جاری فرمایا. اللہ دے ہر معصوم پیغمبر نے خستہ حالت زلالت و غوائیت دے اندر دھنسی ہوئی قوم نو آ کے ایسا باعزت باوقار سبق اور درس بیان فرمایا کہ پھر اس قوم دی عزت و عظمت دی بشارت خود رب نے بیان فرمائی. جنہ لوگاں نے اللہ دے پیغمبر دے در سے عزت نو ٹھکرایا اور اپنی من مرضی من پسند زندگی گزارن نو ہی عزت سمجھیا، اللہ دا قرآن شاہد ہے کہ اس قوم نو اللہ نے صفحہ ہستی تو بھی مٹا دیتا. الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن میرا سونا محبوب معصوم و مخدوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو اے میں رب دا پیغام دے دے کہ من قبلہم من قرن انہاں تو پہلے
जितनिया अकवाम गुजरिया हैं अहलकना उन्होंने असा हलाक तबाहो बर्बाद फरमाया। उसकी वजह के बनी है कि उन्होंने अपने ही तर्ज हयात नो मकसद हयात समझिया मगर साडे पैगंबर दे दरसे इज्जत नो इज्जत वाला समझण वास्ते तैयार ना होए। तो नतीजा के निकलिया अहलकना उन्हां दे उत्ते साडा कहर और अजाब ऐसा मुसल्लत होया कि उन्हां दा असा सफ़े हस्ती तो नामो निशान भी मिटा दिता। गुज़श्ता कई अकवाम दे हालात वाकयात रब ने सोने मुहम्मद पाक दे पाक दिल ते बसूरत कुरान नाजिल फरमाए उन्हां दे जराइम भी दसे उन्हां दा किरदार भी रब दे कुरान ने दसिया ते सब अकवाम दे अंदर सिर्फ शिरक वाली जलालत ना है। कईयां दे अंदर ए बीमारी है कि औफुल कईल वल मीजान कईयां दे अंदर है ला तबखसुन नास अशियाअहुम कईयां दे अंदर है ला तासौ फिल अर्ज मुफसिदीन कईयां दे अंदर है मा सबककुम बिहा मिन अहद मिन अल आलमीन कईयां दे अंदर है अइन्नकुम लतअतून अर्रिजाल शहवा किसे दे अंदर कोई बीमारी किसे दे अंदर कोई बीमारी तो उन्हां बीमारियां दी पादाश दे अंदर अल्लाह ने सब अकवाम नूं तबाह बर्बाद कर दिता। तो जितनिया बीमारियां जितने गुनाह जितने जराइम उन अकवाम दे अंदर हन तो कयामत तक उन जराइम दे मिटावन दा नुस्खा ए कीमिया बना के रब ने नाजल फरमाया तो सिर्फ कुरान कलामुल्लाह नू। इसे वजह तो अल्लाह करीम ने दिन कयामत तक सिलसिला नबुवत मुकम्मल फरमा दिता है कि हुण जिस दे अंदर भी एक काफर आलिया आदतां ते बीमारियां गुनाह ते जराइम पाए जावेन अगर उस जख्म नु ठीक करना है तो रहमत दी मरहम बनया है तो सिर्फ रब दा कुरान बनया है। भाइयो जिना हालात चो असा गुजर रहे हैं हर दिन नहीं हर लम्हा रब दे दीन दे खिलाफ गुजर रहे हैं। तूफान घुल चुके हैं बेहयाई उरूज ते पहुंच चुकी है बिलखसूस त्राय बीमारियां इतनियां फैल चुकियां हैं जिना सूद झूठ अज बंदे नूं परख करना बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि पता नहीं ये गल सच्ची पिया करदा है या झूठ बोल रहा है। सो
सूद सिर्फ लखां ते करोड़ां दे कारोबार दा नाम सूद नहीं है। ये जिहड़ा एडवांस बैलेंस मंगवाइंदे हो 30 रुपए या 50 रुपए तो जदा दोबारा रिचार्ज होंदा है तो कटौती कितनी कर दे? 30 दित्ता ने ते लिया 40 ले लिया, ये 10 रुपया केड़ी मादे च है? जेड़े फरी बैठे हो बोलो ना, हुण करवा लिओ। ये क्या है? ये सूद है। जिना ऐसी ऐसिया टोना लगा दितिया गई है, हुण उस टोन लगावण दा क्या मकसद है? भई जिस लाईए उस आप तक कोई नहीं सुननी, वो अगले नु सुना रहे है, अगले ही सुननी है ना। जिना ते बेहयाई दी बुनियादी चीज ही म्यूजिक है। अल गिना ओ युंबितु निफाक, जेड़ा म्यूजिक दी लानत च धंस चुका है ओ बंदा मर्द दम तक मुनाफिक ही रहा सी, कभी अल्लाह उस ईमान नहीं आवड़ देता। अज लोग बेहयाई ते जिना नु इंजॉयमेंट समझते हैं, फ्रेशमेंट समझते हैं, और ये मैं सिर्फ एवें नहीं तुहाडे सामने इजहार कर रहा। शबो रोज सफर करते हैं, वल्लाह लजीम खुदा दे घर च बैठे हैं कि जदा मुसलमान दी हालत नु विखींदा है, बस ए ही सोच के दिल नु तसल्ली आंदी है कि शायद अजा कुछ लोग हैं जेड़े रब दे कुरान दा हया करन वाले मौजूद हैं, वरना जेड़ियां अज धीआं साडी मुसलमाना दियां जो करतूत ते किरदार कर रहीआं हैं, शायद मगरबी औरत भी अज दी मुसलमान औरत दे करतूत नु वेख के शर्मा जावे। जेड़े तुसा तशरीफ ले आ चुके हो, वल्लाहिल अजीम ए रब दी जात दा इसे नेमत दा भी सारी जिंदगी शुक्र अदा करो तो उहदा मुकम्मल शुक्रिया नहीं अदा हो सकदा कि इहो जिहे गुजरे हालात च रब ने तुहानू अपने घर च आवण दी तौफीक नसीब फरमाई है। भाइयो, जिस मौलवी नाल ही ताल्लुक रखो, जिस आलम नाल भी ताल्लुक रखो, बेशक रखो, मगर दीन नाल खिलवाड़ ना करो, दीन नू तमाशा ना बनाओ। जिथे जेड़ी गल दीन दी समझ आ गई है बस उस ते अमल करो। हजरत अल्लामा अहमद सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हन कि दीन दे मुआमले दे अंदर सब तू बड़ा काजी ते जज ते फैसल खुद बंदे दे अंदर मौजूद है, उसका नाम है दिल। दिल तेरा जिथे कुरान और सुन्नत दे हकायक ते हो जावे मुतमैन, बस उत्थे खलो रहो। सज्जे खब्बे वत मौलवियों दे छिक छिका दे वेखण दी जरूरत नहीं है। बुजुर्ग मौलाना निजामुद्दीन रहमहुल्ला, मैनू अच्छी तरह याद है, इस चोंडे जो छोटा जिहा कमरा होंदा है इस पासे हुण भी है, मैं उस वक्त यानी इस खिताबत दे मैदान दे अंदर मेरा इब्तदाई है, मैनू उन्ना जुमे वास्ते बुलाया तो इतों नाल एक मेरे ख्याल अटैच एक दरवाजा भी है मस्जिद दे विच,
ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਡੀਮੂਆਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਖਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਹੱਥ ਖੈਰ ਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੱਜ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮਉਦੀਨ ਰਾਹਿਮਹੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਫੂਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਿਕੇਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਸਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਖਾਨ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨਾਲ। ਤੋ ਦੀਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ, ਦੀਨ ਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ। فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا। تو بھائیو اللہ دے گھراں نو آباد جے رکھنا ہے تے اللہ دے دین نال محبت رکھو۔ میں جڑی آیت پڑھی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن مرد ہے یا عورت ہے اس دا ہر سوہنا کم رب دے دربار وچ سوہنا تاں ہو سی ਜਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਮੁਹਮੈਨੁਨ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੈਂਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਅਕਮਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਤੋ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸੁਥਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਰੱਦ ਨਾ ਫਰਮਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਰ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਈ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً بَعِزَّتْ زِندگی اسے دی ہے جس نو میرے محبوب دا در سے عزت والا خزانہ قرآن نصیب ہو جائے، او دی زندگی طیبہ پاکیزہ زندگی ہے۔ او دی زندگی کیا ہے؟ بولو پاکیزہ زندگی آ لے ہوں۔ وہوا مؤمنن جس وچ ہے نا ایمان اس دی زندگی ہے حیاتن، بولو شابس، طیبہ۔ تے جس دے اندر ایمان نہیں کا شجرتن خبیثہ، او دی زندگی پاک نہیں بلکہ سارے بولو خبیث دا کے معنی ہوندا ہے؟ پاک۔ خبیث دا کے معنی ہے؟ پلیت۔ تے جس دے اندر ایمان ہے کا شجرتن طیبہ، اس دے اندر ایمان والا پودا ہی پاک، او دی زندگی دا ہر ساہری رب دے دربار وچ پاک ہے۔ تو پھر ایسے پاک تے جدا موت آندی ہے تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ، ایسے طیب تے پاک بندے تے جدا موت آندی ہے تو اللہ دے فرشتے آمن نالی آدھن یقولون سلام علیکم، تیرے اتے رب دیاں سلامتیاں ہوئن، ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، اے جنت بنائی رب نے پاکا واسطے ہیں، تیری عزت تے قدر اے ہے کہ تیری زندگی دی ہر ادا تے میں رب نو اتنا اعتبار ہے کہ اجو ہی تیرا روح نکل سی تیرے واسطے جنت دے دروازے میں اللہ پہلے کھول کے رکھ دیتے ہیں، ادخل الجنہ۔
वो बंदा किथे दाखिल हो गया? जेड़े जावना चाहते हो बोलो यार, वो किथे दाखिल हो गया? वो तो चला गया जन्नत च, ते पिछू सीवियां कहीं दे वास्ते पकाई बैठे ने। कोलखानियां तीजे साते खत्म चली से, ये कहीं दे वास्ते होए बात? जहनमिया वास्ते होए, क्योंकि जंती तक किथे लगा गया? जन्नत है। तो जेड़ा जन्नत दे समरात इस्तेमाल कर रहा है, ओनू तेरिया मेरिया मक्खिया दिया भरिया हुई सीविया की जरूरत कोई नहीं। अल्लाह करीम ने इस वास्ते मोमिन मुवाहिद मुसलमान की इज्जत नू महफूज करने दे कुछ गुर कुरान च बयान फरमाए। या अय्युह अल्लज़ीना आमनू मन यरतद्द मिनकुम अन दीनी فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله فرماندا ہے او ایمان دارو يرتد منكم عن دينه جو تواڈے وچوں اس رب دے دین دے کہے شوبے تو ہٹ جاوے इरतदाद का मन आता वहींद पिछा हट वही जो मेरे दीन दे कहे शोबे तू हट गया है अमली सूरत दे अंदर या अकीदा नजरियाती सूरत दे अंदर अल्लाह फरमांदा है उस मेरा कुछ नहीं बिगाड़िया मेरा नहीं नुकसान उसने कीता बल्कि उस खुद अपने आप नू जलील रुसवा च फरमाया है वरना अल्लाह फरमांदा है मैं तो इस कादर भी हां فسوف يأتي الله بقوم میں ان دی قوم کھڑی کرن دی طاقت رکھدا جڑی قوم یحب جس قوم نو اللہ محبوب رکھے تے او قوم اللہ نو محبوب رکھن والی ہوئے توجہ کرو او مسلمانو
उस कौम दी रब दे दरबार दे अंदर कितनी इज्जत और अजमत कदर होनी है जिस कौम दे बारे अल्लाह फरमांदा युहिब्बुहुम उस कौम दे हर फर्द नो अल्लाह महबूब रखदा है अल्लाह उना दे नाल मोहब्बत करदा है हालांकि बंदे दे जिम्मे के ओ मोहब्बत कहिंदे नाल रखे थके बैठे हो करमा लियो ठीक है तुसा सारे दिन कम काज दे अंदर लगे रहे हो थके रहे हो ते जे अज खुलूस नीयत नाल मोहब्बत नाल सुजाक हो के अल्लाह दा कुरान सुन सो तो सारी दिहाड़ दे कारोबार नु भी अल्लाह इबादत जरूर बना दे सी दिल खुदा दे कुरान दी मोहब्बत रखो अल्लाह फरमांदा है युहिब्बुहुम मोहब्बत दा माना होंदा मैलान कल्ब यानी दिल दा किसे पासे झुकना दिल दा किसे पासे रुख करना इस दा नाम होंदा है मोहब्बत ते अल्लाह तो बंदे दे दिल वाले वजूद तो पाके पाके ना अल्लाह तो इयो जियां कमजोरियां कोनो पाके ते वल अल्लाह प्या फरमांदा युहिब्बुहुम उस बंदे नाल अल्लाह मोहब्बत करदा है क्या मतलब है अल्लाह फरमांदा है असा अपनी रहमत दा रुख उस बंदे वल कर देने आए जिस दे दिल दे अंदर मेरे कुरान दी मोहब्बत होए जिस दे दिल दे अंदर मेरे साहिब कुरान मोहम्मद दी इज्जत अजमत होए जिस बंदे दी जिंदगी दे अंदर मेरे महबूब दी सुन्नत वाला अमल होए जिस बंदे दी किरदार दे अंदर मेरे पैगंबर दी सीरत वाली झलक मौजूद होए जिस बंदे दी जुबान चो कुरान अल्लाह सच पिया निकलदा होए जिस बंदे दे दिल दे अंदर मेरे कुरान वाला सच मौजूद होए जिस बंदे दी जिंदगी दे उठने ते बाने ते खाने पीने ते रोने ते सोने ते हसने ते बाने दे अंदर नक्शा मेरे मोहम्मद दी सीरत वाला मौजूद होए अल्लाह फरमांदा युहिब्बुहुम उस बंदे नाल मैं अल्लाह प्यार और मोहब्बत पैदा कर लेना ते जिस बंदे नाल मैं अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देवा इयो जाए बंदे नु दिल कयामत दे ठिकाना भी मैं रब दी मन पसंद दा दे देवा भाई छुट्टी हो गई है अल्लाह अल्लाह मेरे मुकद्दर ही इंजे हैं यार इन्हों का कसूर नहीं होता अल्लाह दे कुरान ने फरमाया फसौफ यातिल्लाहु बिकौम मैं अल्लाह करीम इंज दी कौम नू खड़ा कर देना कि उन्होंने सारी कौम ते बिरादरी नू तां कंड कर देनी मगर मेरे दीन उन्होंने कंड करनी कोई नहीं है इनू कुछ नहीं होया दाने मोगे करवा दे अल्लाह फरमांदा है जिस बंदे ने अपने दिल दा रुख मेरे वल च फरमाया उस बंदे ते मैं अल्लाह अपनी रहमत दा रुख च उदाई करना ते फिर मैं रब दा वादा है इज़ा जा
الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة اللہ فرماندا ہے جڑا انج دا مومن بنویندا میرا سونا پیغمبر او ٹر دے ودے ہوئے تاں وی میں رب دیاں رحمتاں او ستے پئے ہوئے تاں وی میں رب دیاں سلامتیاں او کنک ودا ودھیندا ہے تاں وی میں رب دی باران رحمت وسدی پئی اللہ فرماندا ہے او دے تے میں رب دی رحمت کیوں پئی وسدی ہے او دی وجہ اے ہے کہ اس نے اپنے دل دا رخ میرے قرآن وال چا فرمایا ہے جدا اس دا رخ میرے وال ہویا ہے میں اللہ نے اپنی رحمت دا رخ اس مومن وال کر چھوڑیا ہے سبحان اللہ ایک قرآن فرما رہا ہے کتب ربکم علی نفسی ہی اللہ دا میں اپنی ذات تے فرض کر دیتا ہے کیڑی شے الرحمہ تے جتھے ہی ہو سی اے دتے میں رب دی رحمت وسدی ہے لہذا اللہ فرماندا ہے یحبہم ویحبونہ اللہ او قوم کیڑی ہے جس نو تو پسند فرمایا ہے تے انہاں نے تینو پسند فرمایا ہے آخر اللہ جو قوم دا ذکر فرمایا تے کئی قوم ہے بھی صحیح نا اللہ انہیں فرضی گلنا تا نہیں نا کرنا اللہ دی جڑی گل ہوندی یقینی ہوندی ہے حتمی ہوندی ہے پکی ہوندی ہے اصولی ہوندی ہے فرضی گلنا قرآن نہیں بیان اللہ او کیڑی جماعت ہن سچ سارے بیٹھے نو سوچیں دے پتہ نہیں کدے اپنی جماعت دا نام لو ہے اللہ فرماندا ہے او جڑی جماعت نو میں رب نے پسند فرمایا ہے توجہ کریا اس دے اندر چار کمال ہونے کتنے چار اس دے اندر چار صفتاں ہونیاں چار خوبیاں او دے اندر ہونیاں جڑی جماعت دے اندر اے چار کمال موجود ہوئے انہیں سمجھے آئے کہ اس قوم نو پسند فرماوانا لکھونے اے ہن میرا فیصلہ نہیں اے میرا فتوہ نہ سمجھے آئے اے فیصلہ ہن کون پہ کریں دا اے اللہ دا قرآن کرے اللہ دس او کہڑی قومیں کہڑی جماعتیں جس نو تو پسند کرے نئے تے او تینوں پسند فرمائیں دے اللہ فرمائیں دے او دے اندر چار کمالیں پہلا کمال کیا ہے ازلت نال المؤمنین دوسرا کمال کیا ہے اعزت نال الکافرین تیسرا کمال کیڑا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ کتنے کمال ہوگا چوتھا کمال کیا ہے ولا یخافون لوم تلا کتنے کمال ہو گئے چار کمال جنہاں دے اندر ہوئے انہیں سمجھو کہ اس جماعت کے میں رب دا ہویا ہے اللہ دی کس
अंदर चार कमालात उस जमात अल्लाह दा के है बोलो उस जमात अल्लाह दा फजल है। अच्छा अल्लाह ये चार कमाल केड़ी जमात दे अंदर है, चार औसाफ केड़ी जमात कौम दे अंदर है। अल्लाह फरमांदा इन्ना चौं कमाल दा हक जे अदा कीते तो मेरे मोहम्मद दी जमात जमात रे करके दिखाया है। असहाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ए चारे कमालात मिन्नो आना दर किसे जमात दे अंदर मौजूद है तो ओ मेरे मोहम्मद की जमात अल्लाह दे कुरान ताई फरमाया है मोहम्मद फजलम मिन अल्लाह उत्तू अल्लाह दा ज़ालिका फजलुल्लाह ये सारा फजल मेरे मोहम्मद दी जमात ते होया है। ये चारे कमालात अमली सूरत च करके विखाए हैं तो जमात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके विखाए ता अल्लाह दे कुरान ने फरमाया अगर तुसा मेरे दीन तू फिर भी जाओ तो जिवे दीन ते चलना मैं रब पसंद कर दूं तो मेरे मोहम्मद दी जमात रे करके विखा छोड़े जिवे मैं अल्लाह चांदा के इंज इंज मेरे मोहम्मद दी हर अदा दी रीस पैदा करने वाले लोगों मेरे सच्चे कुरान दे हर अल्लाह फरमांदा है मैनु रब होवण दी कसम है मेरा 100% मनशा पूरा कीता है तो मोहम्मद दी जमात ने। तो मालूम क्या होया ए अल्लाह फरमांदा है ए जमात मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिस नाल मैं अल्लाह ही मोहब्बत करेगा ओ मेरे ना ताई ता अल्लाह आखे ना रज़ी अल्लाह अनहुम वरज़ू अनहु इत्थे भी पहले रब ने अपनी मोहब्बत का जिक्र फरमाया रज़ी अल्लाह फरमा के पहले अपनी रजा का जिक्र फरमाया। मतलब क्या है अल्लाह फरमांदा मैं उन्हें पसंद कीता है कि इन्हां दी हर अदा मैं रब नु पसंद आ गई है ता ता मकामे बदर दे बाद सोने मोहम्मद करीम ने जाके बदरी साहबा किराम नु अल्लाह दा पैगाम सुनाया ए उस मौके सुनाया जदा साहबा किराम आपस दे अंदर बैठे हन ते बैठे आदन यार मैं किसे काफिर नु आयन करके मारन लगदा हम ते ओदा सिर पहले लत्था पिया होंदा एक तमाशा बने ओ फिर सारे ने जदा इन वेख्या ना तो अखीर उन्ना आखे यार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहो राजदार नबुवत मुहम्मद रसूलुल्लाह है उसनु पता हो सी भाई ये क्या मामला है। तो खैर उन्होंने जदा पता चलिया भी ये अल्लाह करीम ने असा मोमिनीन दी नुसरत वास्ते नूरी फोर्स तले भेजी है ये अल्लाह दे फरिश्ते हैं उन्हें आखे यार वह तो सारा काम तो उहे कर गए असा तो सिर्फ उलरेंदे ही रह गए उसे इंजे उलरेंदे वदे होंदे असे ते उस काफिर दा सिर लत्था पिया होंदा सारियां कमाइयां तो वह तो उहे लै गए असा जो जान तली ते रख के मोहम्मद के कदम के निशान ते अपने हैं
फिर सानू के मिलिया। तो एक गल चलदी चलदी सोने मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो अल्लाह दे पैगंबर खुद तशरीफ ले गए अपने गुलामा दे कोल। सोना सैयदुल इंस वल जान खुद चल के वैदा पे समझो रहमत दा समंदर रुख उदा ही चकीता है। उत्थे जदों पहुंचे मुहम्मद पाक उन्होंने दसी अपनी हालत इजहार तो अल्लाह दे महबूब ने फरमाया मैनू अल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि इन्हां नू मेरी तरफ हुए बशारत दे इअमलू मा शिअतुम। अल्लाह पे आदा जड़ा जान तली ते रख के बदर दे मैदान च खलो रहे हो ना तुहाडा ए डट के खलोना ही मैनू इतना पसंद आया है। अल्लाह दा अज दे बाद नेकियां करनियां छड़ भी दियो तां भी मैं रब तुहाडी हर अदा ते राजी हो गया। पसंद करने वाला कौन आ अल्लाह की जात। तो अल्लाह करीम फरमांदा है ओ कबीर आले आले हो सरगोधे आले हो सगर आले हो मैं यरतद मिनकुम अन दीन ही जे तुसा मुरतदी हो जाओ ना तो मेरा नुकसान कोई नहीं जेड़ा इस शरीयत ते चलन दा मैं रब मनशा चांदा हम ओ मुकम्मल करके विखा दिता असहाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसे वास्ते अल्लाह ने आवन आले वास्ते कानून बनाया ना فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ ہون جڑا بندہ دعویٰ کرے کہ میں مومن ہاں تو اس دے ایمان نو صدیق اکبر دے ایمان دے ترازو تے تولو اصحابِ پیغمبر دے ایمان دے ترازو تے تولو اگر آ جاوے فٹ فقد اہتدو اس دے ایمان چ شک نہ کرے آئے क्योंकि उसके ईमान की गरंटी मैं अल्लाह दे रहा फकद इहतदा वो पक्का मुसलमान बंदा है। तो जेड़ा असहाबे पैगंबर दे ईमान दे मेयार ते पूरा ना उतरे फइन्नमा हुम फी शिकाक ओ जरेगी आई रे शिकाक शक चुत शक दा माना उस शक का माना चीरना होंदा है फारना होंदा है फटना होंदा है। ते अल्लाह दा फइन्नमा हुम फी जिन्हें यकीन आंदा तो दा मुहर्रम नू अखी नाल वेख लिया करो शिकाक मगर मोमिन नू फसा यकफी उन्होंने हर मौके ते काफी जात कौन बोलो अल्लाह फरमांदा है ये चार कमाल मोमिन दे अंदर आंदे पहला कमाल ए अज़िल्लत नालल मोमिनीन मोमिन वास्ते मोमिन बंदे दा दिल नरम होंदा है। मोमिन कदी मोमिन वास्ते दिल च सख्ती बोलो ए हुण अपना तुसा ते मैं रल के अपने ईमान दा एहतसाब करेंदे वे सा है ना अल्लाह फरमांदा अज़िल्लत अलल मोमिनीन मोमिन मुसलमान तो मुसलमान नुकसान
बोलो कदी मोमिन दे हक दे अंदर दिल च नफरत बोक्स नहीं रखदा तअस्सुब नहीं रखदा हसद नहीं पैदा करेंदा ओदे दिल दे अंदर भी उन्नी मोहब्बत होंदी जिवें उसनु अपनी जान नाल मोहब्बत होंदी इस वास्ते ए पहली निशानी अज़िल्लतुन अलल मोमिनीन मोमिन मुवाहिद मुसलमान बंदा कभी मुसलमान दे मुतालिक गलत गुमान नहीं करेंदा गलत सोच नहीं सोचेंदा कभी उदे खिलाफ परोप गंदे नहीं बनेंदा कभी खीबत नहीं करदा बोहतान ते इल्जाम नहीं लेंदा कभी उदी इज्जत दा दुश्मन नहीं बनदा बल्कि ओ उसदी भी उन्ने इज्जत प्यारी करेंदा जिवें अपनी इज्जत नु प्यारी होंदी हुण इत्तेसाब करेंदे आओ तुसते मैं रल के करेने आए हुण जिंदे अंदर ए सिफत मौजूद ना होवे ए एक दूए नु कप्पी खलोते होवे कंड पिछू खराफत लगिया ते बकवास सात पै पकदे होवे एक दूए दी इज्जत खले उछलेंदे होवे एक दूए दे ते इल्जामात लगा रहे होवे मर्द मर्द मुखालिफ है रंग रंग दी मुखालिफ है एक दूए दे बुतानात लगा रहे हो अल्लाह फरमांदा है ए आदत मेरी पसंदीदा अकवाम दी नहीं आउंदिया ए मुसलमान दे अंदर सिफत नहीं आउंदिया मोमिन बंदे दी पहली अलामत है अज़िल्लतुन अलल मोमिनीन कन पिछों ही मोमिन कदी कहंदी इज्जत दा मुखालिफ हो सकदा बोलो नहीं हो सकदा ते जड़ा कन पिछों वालो उसे दिया लीरा लीरा प्या करेंदा होए कन पिछु बैके उदे बारे बद किरदारी दे इल्जामात बैठा लेंदा होए कन पिछु बैके ते ओही हिब्बत प्या करेंदा होए कन पिछु बैके बोहतान ते झूठ बकदा प्या होए कलीमुल्ला जे छुपया बुलेंदा जान बुझ के कुरान दे खिलाफ मसला पिया बयान करेंदा होए अल्लाह शाला कलीमुल्ला नु थाई अंधा नबी ना कर दे अल्लाह दा वास्ता ही ने अल्लाह दे कुरान ने सारा बयान फरमाया है अल्लाह फरमांदा अज़िल्लत नाल मोमिनी मोमिन बंदे दे दिल दे अंदर मोमिन दे बारे नफरत पैदा नहीं हो सकदी होवे मोमिन ते मोमिन नाल नफरत पिया करेदा होए हुण तेरे अंदर ख्याल आउणा है ता ए वी मोमिन मगर नाजायज मेरी धी नु तलाक क्यों च दितीस हे ता मोमिन मेरी भैण नु तलाक दितीस हे ता मुवाहिद ते वल वेखो यार मेरी धी नु तलाक दे दिती इस वास्ते मैं ते नाल नहीं बुलेंदा ओ फिरावा जे मोमिन सड़ा के किसे मोमिन दी धी ते भैण नु नाजायज तलाक पिया देंदा है या ओनु खले पोले मार के जलील पिया करेंदा है अल्लाह दी कसम ही अल्लाह दा कुरान गवाही ओ भावे मुवाहिद सड़ींदा भी क्यों नहीं एदे नाल दा काफिर दुनिया ते कोई नहीं है क्योंकि अल्लाह दा कुरान ता सच पिया फरमाईदा है तेरी मेरी सोच ता गलत हो सकदी है कुरान दा फैसला कदे गलत हो सकदा गल दी समझ आई है ओ गुलाम भुगड़ू पर हमो करके नारा मारना है एक बारी उठी उठी गलो नारा मार करमाले पिछले नु सुना अज़िल्लतुन अज़िल्लतुन अलल मोमिनीन मोम
मोमिन करी दूसरे मोमिन की इज्जत का दुश्मन बोलो नहीं हो सकता। कभी सोचे ही अल्लाह ने मोमिन वास्ते मुशरक का रिश्ता हराम क्यों किया है? कभी सोचे ही सिर्फ यो जो मुशरक है नहीं, अल्लाह ने जानिया औरत नाल निकाह हराम क्यों फरमाया? मुशरिका औरत नाल निकाह रब ने क्यों हराम फरमाया है? उसकी वजह के उसके अंदर इज्जत वाला मादा मुर्दा हो चुका है। उस इज्जत वाला मादा बोलो यार मुर्दा हो चुका है, ओदा दिल मुर्दा हो इंदा। जानी मर्दे जानिया औरते मुशरक मर्दे मुशरक औरते ओदा दिल जदा मुर्दा हो तो उस वक्त ओनू सज्जण ते बिगड़न दा फर्क मालूम नहीं आंदा। सज्जण ते दुश्मन दा इम्तियाज खत्म हो वैंदा है ते जिसदा दिल जिंदा होंदा है ते जिंदा भी ईमान नाल होंदा है उसनों अपने ते बिगाने दी परख होंदी फर्क नजर आंदा है। अल्लाह फरमांदा है मैं इस वजह तो मैं आख्या है मुशरक नू नख दिया है ते ना लड़िया है क्योंकि जे तोड़े अंदर बेगैरत मर गए तो इन्होंने कण पिछों बह के मोमिन दियां शिकायतां करनियां है। इन्होंने लोगों के सामने तोड़ी इज्जत नू चाक कर देना है मगर अल्लाह फरमांदा है मैं अल्लाह मोमिन नू बेइज्जत नहीं होण देंदा। इस वजह तो अल्लाह फरमांदा है क्योंकि जिस वक्त तेनू खावद मिलना है ओदे सामने ताए वारी वारी नहीं थकदी पई आउणी मगर जदों सुकंड वलाउणी इस नाम मुराद औरत ने उसकियां शिकायतां करनियां शुरू कर देनियां है। लोगां दे सामने ओदी इज्जत दे परदे खड़ी लैणी आउणी है। अल्लाह फरमांदा है ते मोमिन दी इज्जत खराब होवे ए मैं रब नहीं पसंद फरमाइंदा। इस वजह तो मैं अल्लाह ने फरमाया है अज़िल्लत नाल मोमिनी मोमिन बंदा कभी मोमिन दी इज्जत दा दुश्मन नहीं हो सकदा। मोमिन बंदा कभी मोमिन नाल हसद नहीं कर सकदा कभी ओदी गीबत नहीं कर सकदा कभी ओदे उत्ते झूठ नहीं बोल सकदा ते कभी ओ जानी भी नहीं हो सकदा क्योंकि मोमिन दी नजर दे अंदर हर धी नूं अपनी धी समझदा है। लिहाजा मोमिन दुए मोमिन दी इज्जत नो अपनी इज्जत समझदा है ए नहीं आदा के ते गवाढ़ियां दी थी ए ते फलाणियां दी दी है। अल्लाह फरमांदा अज़िल्लत नाल मोमिनी ओ अपनी धी नू जिवे इज्जत देंदा है इन्हें मुसलमान दी धी नू भी उन्ने इज्जत देंदा है। अल्लाह फरमांदा है जिंदे अंदर पहला कमाल मौजूद होवे इन्हें समझो कि मोमिन बंदा है ते जेड़ा मुवाहिद सदा है मरकजी दा सदा है बड़ा मुत्तकी सदा है मगर कण पिछू बह के मुसलमान दी इज्जत दे मनसूबे पिया बनेंदा होवे ओ मोमिन नहीं है बल्कि काफिर है। इक काय आखे बोलो ना हुण कहिंदा कहिंदा फैसला है कुरान पाक ने फरमाया
दूसरी सिफत जड़ी मोमिन दी है अल्लाह फरमांदा आ इज्जत नाल अल काफिरी ओ कदी काफिर नू इज्जत नहीं देंदा मुशरक नू इज्जत बोल लो करमा ले मुशरक ते काफिर वास्ते दिल च नरमी नरमी रखदा ता अलल मोमिनीन नरमी किना वास्ते रखदा मोमना वास्ते रखदा है आ इज्जत ना अलल काफिरीन ते काफिर वास्ते दिल च नरमी हां जड़ी आपे बोटी आ जाए मुशरक नाल नफरत है या मोहब्बत है सच्ची अमानत दयानत नाल दस है ये मोहब्बत ने वला के मरा मरो के अखीर ले आके ये भी अहले किताब है ये अहले किताब सिर्फ साढ़े वास्ते है अहले किताब नाल तो फिर अल्लाह ने फरमाया अहले किताब दी औरत दा नाल निकाह भी कर सकदे हो ये अल्लाह दे कुरान ने फरमाया ओ समझेंदे हुण मैं जे अगली गल करा तो तुसा आपसे बहुत ज्यादा सख्ती की थी इस चा करो करो हैं जिसलिए मैं वैना पिछू टर टर होंदी रहा सी हुण तो करो करो पिछे टर टर अल्लाह अल्लाह चलो खैर बहरहाल मोमिन बंदे दा दूसरा कमाल आए आ इज्जत नाल अल काफिरीन मुशरक दे बारे कदी मोहब्बत पैदा बोलो चलो आओ ए जो चार सिफतें इन्हें ना ते हिक ते बैठे रहा इन्हें मुकाने च नहीं आना अगना टुरने आए अल्लाह फरमाता है इज्जत नाल अल काफिरीन जीवे मेरे मुहम्मद मासूम दी महफूज जमात रोहमा काफर के मुताले कदी उन्होंने दिल च नरमी नहीं आ सकती तीसरा कमाल है युजाहिदून फी सबीलिल्लाह जिहाद बिस्सिनान नहीं ए बल्कि जिहाद बिल्लिसान जिहाद दो किस्म दा होंदा है ना एक जिहाद बिल्लिसान एक जिहाद बिस्सिनान बिस्सिनान तलवार नाल लिसान जबान नाल अल्लाह फरमाता युजाहिदून फी सबीलिल्लाह अल्लाह ते दीन नु बयान करें दे जबान नाल जिहाद करें दे जिथे कुत्ते ढेर पट्टा वाले होवे फतवे लावण वाले ढेर होवे भौकण वाले ढेर होवे पूछड़ियां हिलावण वाले ढेर होवे बकवासात खराफात अपनिया मसानी ते बैठ के पकड़ ले ढेरोवे ते ओ जिन्हां दियां तकरीरां रट रट के ते मुफक्कर इस्लाम बना ले होवे जिन्हां दे घर दे अंदर अजा भी तकरीरां उस मर्द मुजाहिदियां चलदियां पईयां होवे ते वतवी फतवे मादर पिदर आजाद उस ते लैंदे पए होवे ते अल्लाह के फरमांदा युजाहिदून फी सबीलिल्लाह युजाहिदून फी सबीलिल्लाह ओ वत भी अल्लाह दे कुरान दा पैगाम सुनाई दे
दुश्मन भी डट के अल्लाह दा कुरान खड़ा पढ़ के सुनाईदा है। ओनु दुश्मन दी परवाह कोई नहीं, ओनु मुनाफकां दे निफाक दी परवाह कोई नहीं, ओनु किसे दे मंत्र ते टोले दा पल्ले दी परवाह कोई नहीं, ओनु किसे दे जादू ते मंत्र दी परवाह कोई नहीं, ओनु किसे दे फूके ते टोले ते पल्ले दी परवाह नहीं है। बल्कि ओ ते चैलेंज करे ना है सटो दुनिया दे जादूगरां नूं, सटो दुनिया दे तवील फरोशां नूं, सटो दुनिया दे सारे टोले ते टपल्ले ते मंत्र चलावण वालियां नूं, मगर बलो दिता थोक नूं ते वी किसे दा जादू चल नहीं सकदा। इहो ललकार देंदा गया अल्लामा सईद खान रहमतुल्लाह अलैह, लोकां नूं दसेंदा गया है तुसां मेरे उत्ते फतवे लैंदे हो, मेरे उत्ते बड़े बड़े इल्जाम लैंदे हो, कदी आदे हो गुस्ताख रसूल है, कदी आदे हो के हदीस दा मुनकर है, कदी आदे हो के अपने उस्ताद दे फतवे लैंदा है, कदी आदे हो के नहीं धरती सीने छो जादू करो छो तवी फरोशा मेरी जुती तवी जादू चल जावे तो सच्चे ते आम सईद पूरा हो गया। जदा तक वो जींदा रहे बेशक कोई फुरके है नहीं नहीं, नहीं तो बोलो जदो तक वो शेर मैदान च रिया है बेशक ओ तोड़ी गिद्दड़ छत्थे रह गए बेशक उन्हें समझिया के बादशाही साड़ी है जंगल च चलो यार बब्बर शेर न हो साए बब्बर शेर तो वो है मगर शेर दा पुत्र ही तो शेर ही इंज न समझ के जंगल खाली है इंज अंधेर न समझ अल्लाह दा कुरान भी पढ़ने वाले मौजूद हैं युजाहिदून फी सबील अल्लाह फरमांदा है ओ वी रब दा कुरान लेके तुरे वदे भौका दी परवाह नहीं करेंदे इल्जाम दी परवाह नहीं करेंदे ए तो दुश्मन जेड़े मुखालफत करेंदे बेशक तवज्जो करे मैं हुन कुरान दी आया समझाइंदा पिया ए तो दुश्मन जो है दुश्मन दा कम होंदा है वार करना बेशक दुश्मन दा कम होंदा है वार करना अल्लाह फरमांदा है चौथा ओदा कमाल होंदा है दुश्मन नाल भी लड़दा है चौथा केड़ा कमाल है ला या खाफून लौमत ला एम एता दुश्मन नाल भी मुकाबला करेंदा है ते अपने नाल भी मत्था लाई वदा ओ समझ आई है कि नहीं आई दुश्मन ता अगे ही दुश्मन होंदे मगर जेड़े कच्छ च रहण वाले होवेन ओ भी चुंडी मारन तू रहंदे नहीं ओ भी आदेन तू वड़ा खतीब आ गया तू वड़ा मौलवी आ गया तू वड़ा आलम आ गया अब्बा जी भी तो इन करेंदे हन अलामा साहब भी तो इन करेंदे हन अलामा साहब दे मरण दे बाद ओदे उत्ते इल्जाम लावण दी जरूरत नहीं है क्योंकि अलामा अहमद सईद खान दी तबलीगी जिंदगी हर बंदे दे सामने जाहिर है उठे कोई दाग धब्बा पावन दी जरूरत नहीं आए अल्लाह फरमांदा ला या खाफून लौमत लाएं ओनू किसे दी मलामत करने दा खौफ भी नहीं होंदा ओ अल्लाह दी रजा नाल अल्लाह दा कुरान पढ़ पढ़ के सुनाईदा रहिंदा जिथे अल्लाह दे कुरान दा पैगाम सुनाईंदा है लोगां नूं के के गज गज के सुनाईंदा है वल्लदीन तदऊन मिन दूनिल्लाह
अगले के अक्सन जेडे नाल वदे उस ओ यार हर जाते मसला बयान करना को जरूरी है मगर जेड़ा मुखलिस मोमिन होंदा ला यखाफून लौमत लाए किसे दी मलामत दी परवाह ते ए मकाम उसनु मिलदा ज़ालिक फज़लुल्लाह जे दुते अल्लाह दा के होए फज़ल होए अल्लाह दे कुरान ने फरमा थकत ने बैठे तकबीर जड़ी नारा मारे भाई यो बस कर दस पंद्रह मिनट और ला लवा तो बेटा लाइट बंद कर यार मैं असल थोड़ा एहसास किया है भाई तुम थके त्रुटे हो लोग हो भाई इंज ना हो जो बजाय दुआई देवन दे उल्टा अंदरों अंदरों पलूते ने कड्डी रखो ना अच्छा अल्लाह पाक तुहाड़ी दुआई कबूल फरमाए अल्लाह पाक तुहाड़ा मेरा अज दी महफिल नो जरिया निजात बना दे हाँ जी अल्लाह दे कुरान ने ता फरमाया अल्लाह फरमांदा है जे इज्जत वाली जिंदगी गुजारनी है इत्थों शुरू कीता है ना इज्जत वाला सबक जे मनना है तो ओ सबक लेके आया है तो अल्लाह दा कुरान है ते जेकर अल्लाह दी लानत अल्लाह दे अजाब अल्लाह दी गिरफ्त तो बचना है अल्लाह फरमांदा है ए चार कमाल अपने अंदर पैदा कर वल इंगे समझ के तेरे मोढ़े ते हथ रखण लगाउण तरा कसीरम मिनुम युसारियो न फिल इस्म वल अल्लाह फरमांदा है मोमिन दिया तो ये चार सिफता चार कमालात आ मैं रब तैनू बेहयावां दिया भी आतां सुनावां बेहयावां दा ही तो पता लगे ना क्योंकि जे तुरी अंधेरा ना होवे तां रोशनी दी कदर बोलो इसे वास्ते अल्लाह फरमांदा है आ तैनू उस अंधेरे विच रहण वाले दियां आदतां भी दस देने आए तरा कसीरन मिन कसीरन अक्सर तैनू इंज दे बंदे मिलने जिड़े युसारियो न फिल इसमें वलो दुआन जिड़े गुना ते बेहयाई आले कम ते युसारियो न भज भज के वैंदन खुशी नाल वैंदन जिदे उनानू ढोल धमके दी आवाज सुनी जेड़े पासे ओनू
खुसरियां दे खाड़े दा पता लगे यू सारे ओनू दे नस के वेंदा दौड़ के वेंदा आराम आराम नाल ते इदे मसीह ते जावण होवे ते जिवें रहेल ढग्गे नू नहीं पता छिक्की वधावदा इंजां दे ते बेहयाई आले कम्म ते यू सारे ओन दौड़ दौड़ के वेंदे न जिथे बेहयाइयां दियां महफलां बल्कि उन्हां नू सड्डा ना वी मिले ता फरंट ते पहले अपने बैठे सिर्फ समेल आवे कुलखानी दी हाजी साहब और वेंदिया वेख्या करवा तो हैं मुत्तकी सड़ी वणाला वाते बहाने के बनाई वदन ओ जने जीवा तोड़ अपना जो हाई वैसे गए हैं कुलखानी ते ते खादी पीती ते उत्ते वत गिया के मुंह ते बुज्जे रगड़ा में ना जे खाधा पीता कोई नहीं ते वत उत्ते वंजना दा फायदा जोड़ करूंगे वत के आखड़ा ओ जी बस वतो कुछ मजबूरियां होंदियां हैं पता ता है जो मुशरिक आई मर गया मगर जने मैं जनाजा जे पड़े है तो चुप करके खलोता रहे पिछू पड़ी काई शायद मेरे सामने कुरान पे है मैं खुदा दे घर च बैठा मैनू हिक पे आखे मैं उन्होंने आख्या यार अल्लाह दा बंदा तू तो अक्सर अपनी जिंदगी अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह नाल गुजारी है ते तैनू ही नहीं समझ आई कि मुशरिक दा जनाजा पढ़ना है कि नहीं मैंने पे आख्या उस्ताद जी मैं जनाजा को नहीं पढ़ा मैं तू तो बेच हाँ है उस आख्या बगैर वजू दे खलोता ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह शैतान कैसिया कैसिया तावीला बंदे नु सिखा देता है केड़ी मजबूरी है के बगैर वजू दे यार जनाजा है मगर है तो रब दे नां दी इबादत है ये इबादत कहीं दी है ये अल्लाह दी है ते अल्लाह दी इबादत नू बगैर वजू दे पढ़ने वाला काफिर ही हो सकदा मुसलमान नहीं हो सकदा एक ए जुर्म दुआ मैयत नाल धोखा तीसरा नाल जेड़े खलोते ने बिरादरी आले उन्हानू विखावण वास्ते जुगिया खला उन्हानू ही धोखा डबल दर डबल दर डबल जुर्म ते जुर्म ते पैगंबर दी शरीयत कितना सुख है एक ना ते सौ सुख एक ना कर मैं नहीं पढ़दा सौ सुख घर बैठे लै लै अल्लाह दा कुरान फरमांदा यो सारे ओना फिल इस्म वल उदवान वाले साहब और दा दोस्त है मैं उन्हों दा नां नहीं लेंदा ओ बारो एक ब्रैलर आले खुडे छुडे नहीं लाई बैठे होंगे बैर ओदे कोल मुर्गी लवन गया मैं उन्हों आख्या मगर जिबा आप कीती है समझेंदे पए हो मैं ओदे कोल पुछया वे जिबा आप कीती है उस आखे हाँ जी मैं आख्या यार मैं तो नहीं मालूम होंदा वे तू जिबा कीती होवे वे कि कोई तेनू कुछ ईटा मीटा या कि तू हाथ छत धोते हो तू तो उन्हें जिम्मे सुके का सुका गया उन्हें ही आया वो कसम च आ गया मैं आख्या मैं तेरे ते इतबार को आखिरकार उस आख्या जेने जेड़ी छुरी नाल उस दुकानदार जिबा किया ना इन खला करेंदा ही मैं जेड़े ओदे हाथ दे उत्ते हाथ रख के खलोता रहा फिर इंदा ओ रहा ते ओदे हाथ ते मैं बस जिबा मैं कर छोड़ देखो यार शैतान ने उका हद मुका छोड़ी है हाथ दी गल नहीं गल तो यह है आए पाक होवे किशा पाक होवे दिल पाक दिल पाक नहीं तो बैतुल्लज खलो के खला दा अल्लाहुम्मा इन काना हाजा हुवल हक अल्लाह अल्लाह करदा खला के नहीं
مگر اللہ نے فرمایا حبطت اعمال. خیر بہرحال یسارعون فی الاسم والعدوان واقلهم السحت. ایک دم وچ جھوٹ بولیندے تے جھوٹ دیاں محفلاں وچ ویندے. والعدوان تے اتھے ویندے جتھے میرے دین دا مذاق پیا ہوندا ہوئے اتھے ون کے بہندے. تیسرا جرم انہاں دا کیڑا ہے اقلہم السحت. جدن کھاندے تا حرام کھاندے. کی کھاندے؟ حرام کھاونا. انہاں نو حلال کھاونا رب نے نصیبی بولو انہاں دے حصے چ رب نے کیڑا کھانا رکھیا ہے؟ حرام. اقلہم السحت حرام بھی کھاندے یعنی جھوٹ بول کے لوگ دمال بٹورنا. حرام کھاندے سودا لا کاروبار کر کے کھاندے. حرام کھاندے دھیاں دا حق غصب کر کے کھاندے. جھوٹ بول کے کھاندے کسے دا حق مار کے کھاندے. ول اے تا سمجھیندا ہے میرا کاروبار ہے مگر سوتے کھاد چالے آندا ہے. سوت بیج لے آندا ہے. سوت ٹریکٹر لے آندا ہے. سوت اجناس وچ دبیا ہے. سوت دا مطلب ٹائم تے دے کے تے وقت دا پیسہ لے لونا. وقت ترے تے 5000 بوری دا 6 مہینے بعد جے پیسے لوے تا 10000 لے لوے. اے 5000 جڑا اے نو اضافے پیا ملدا ہے. اے وقت دا اے نو ملدا پیا ہے. حالانکہ وقت دا مالک کون ہے؟ بولو جڑے حرام تو بچن والے ہو جڑے حرام کھاون والے ہو چپ کر کے بیٹھے رہ ونے آئے. اللہ فرماندا ہے اے کم جڑے کافر بندیا دے جڑے گناہ والے کم دے اندر ون کے باندھے زنا دیا محفلاں دے اندر ون کے باندھے جشن مناون والے دے نال ودے نارے مرے دے اوندے انہاں نو چندے ودے دیندے اوندے انہاں دے ناں دیاں عقلاں ودے مرے دے اوندے. اے انہاں دے نال تاں کھلون دے جتھے انہاں نو کھاونا وی حرام دا ملدا اے تے بیان وی جھوٹا لا ملدا اے اوتھے تاں انہاں دے موڈے نال موڈا رلا کے کھلوتے ہوندے. اقلے مسحت کھاونا وی انہاں دا حرام دا انہاں دا پلنا وی حرام دا. اللہ فرماندا ہے سود نہ کاروبار کر کے پیا کھاندا اے. ول نمبر دار سدائے تاں وی لعنت. حاجی صاحب سڈائیں تمی لالت. کاری صاحب سڈائیں تمی لالت. مولوی صاحب تے مفتی صاحب سڈائیں تمی لالت. اللہ فرماتا لبئس ما کانوا یعملون. تہاڈے ہر عمل تے میں اللہ دی لعنت لعنت. تو نماز پڑھنا تاوی لعنت بلکہ اللہ دا قرآن کے پیا فرماندا ہے فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. میں رب نال مقابلہ پیا کرے دا ہے حالانکہ تو تا جا جمعی کوئی نہ ہے تیرو تیری روزیوں دا بندو بس کرنا لکھانا. لہذا اللہ فرما دا اولا لکف اولا سم اولا لکف اولا. اللہ تیری زندگی
जिंदगी दी एक घर कते मैं अल्लाह ने लाना द ठप्पा ला छोड़िया है ए नमाज़ पढ़े तवी लानत ए रुकू करे तवी लानत ए सजदे करे तवी लानत ए नफल पढ़े तवी लानत तहज्जुद पढ़े तवी लानत तिलावत करे तवी लानत खिताबत करे तवी लानत रियाज़त करे तवी लानत बल्कि उतबू फी हादे दुनिया लाना अल्लाह फरमांदा तेरे जमने ते भी लानत ओ तेरे उठने ते बहने ते भी लानत तेरे मरण ते भी लानत क्योंकि तू मेरे मुहम्मद दी इज्जत आले सबक नु पसंद नहीं फरमाया ते इज्जत वाला सबक क्या है अयब तहुना इंदहुमुल इज्जा फइनल इज्जत लिल्लाह फइनल इज्जत लिल्लाह इज्जत दे बड़ा लकौड़े इज्जत खजाने दा मालिक कौन है अल्लाह फरमांदा इज्जत ना सबकी होए वल हयो ला हमेशा जिंदा रहन वाला कौन रे जर्रा जर्रा कैनात इक्तदार रखन वाला कौन रे अल माल वल बनून ज़ीनत अल हयात दुनिया वल बाकियात सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला अल्लाह फरमांदा है इज्जत उस बंदे दी आए जिसने मां प्यो नु तो छोड़ दिता है मगर मेरे मुहम्मद दी सुन्नत नु नहीं छोड़िया मेरे कुरान दा लड़ नहीं छोड़िया उसने मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सीरत ते किरदार ते खसलत ते आदत ते किरदार ते वकार नु अपनी जिंदगी दा ज़ेवर बना लिया है जिथे मेरे पैगंबर ने रोकया है उथे रुक गया है जिथे मेरे पैगंबर ने तुर है उथे तुर पिया है वालो से पीछा भय के नहीं रखिया के फलाना भी मेरे नाल आंदा पिया या नहीं आंदा पिया जिथे मेरे पैगंबर दी सीरत ते सुन्नत ने जान देवण दा हुक्म फरमाया है युसिरून अला अपनी जान देवन तैयार हो गए अल्लाह फरमांदा है ते जड़ा बेईमान बंदा है जदा भी बोलेंदा झूठ बोलेंदा है जदा भी बंदा है गंदियां महफलों के अंदर बंदा है कंजर बन के वदा होंदा है कदी बोहतान पिया लैंदा होंदा है कदी मुंह चू बकवास पिया करेंदा होंदा है इहो जिहा बंदा खांदा भी है हराम दा ते हराम दा खावण वाला बंदा लबे समा कानू यामलो उते हर अमल नु वेख मोमिना दा लख लाना तैया शाला जमदा दा ना जम्मेया शाला मरवनेगा तेरी वजह तो सड़ा माला सारा खराब हो गया है अल्लाह फरमांदा है वजल अनु हमुल लायनु जिथे कोई कहे ते लानत करेंदा है ओ दी लानत चाह के अल्लाह ओदे हिस्से च कर देंदा है ओ दुनिया ते भी जलील आखरत दे अंदर भी जलील ते अल्लाह फरमांदा मोमिन दियां जड़ियां मैं रब ने चार सिफ़तां बयान फरमाया जिन्हां दे अंदर चार कमालात पैदा हो जाए उन्होंने इत्थे भी इज्जत बुरके मिल गया है आखरत दे अंदर भी ठिकाना इज्जत वाला मिल गया जिंदगी में फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला।